आने जल्दी आ जाए। इमरान खान साहब कहाँ हैं, देख लें कराची के हालात। ये जो पोजीशन है कराची की, ये मेन एम ए जीना रोड है, ये एम ए जीना रोड है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, वह साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। डूब रहा है पाकिस्तान, कहां हो इमरान खान, ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य हैं, ये पाकिस्तान की जनता कह रही है, पाकिस्तान की जनता पुकार रही है अपने हुक्मरानों को, अपने सेना के अधिकारियों को कि बचा लो बचा लो। लेकिन वो तो अपने ऐशो आराम में व्यस्त हैं, अपने घरों में आलीशान महलों में व्यस्त हैं। पाकिस्तान की जनता की उन्हें जरा भी परवाह नहीं है। जनता डूब रही है, डूबने दो। जो नाले हैं उनका जो गंदा कचरा है वो सड़क पर निकल कर बह चला है, तो बहने दो, किसको परवाह है। कंटेनर डूब रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ डूब रही हैं और लोगों की गाड़ियाँ डूब रही हैं, वाहन सारे फंस गए हैं। जो कराची, जिसको कि पाकिस्तान कहता है कि हमारा ये समृद्ध शहर है, जरा समृद्ध शहर की आप हालत देख लीजिए। डूब रहा है कराची शहर, पूरा का पूरा कराची शहर जलमग्न हो गया है। पाकिस्तान के हुक्मरान को पता नहीं है, सेना के अधिकारी। आप देखिए कि भारत सहित अन्य देशों में जब भी ऐसी कोई विपदा आती है तो सेना, वायुसेना के लोग लग जाते हैं बचाव कार्य में। यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है, सब लोग घर में दुबके हुए हैं, अपने महलों में दुबके हुए हैं, अपने एयर कंडीशन घरों में दुबके हुए हैं। पाकिस्तान की जनता, अपने हुक्मरानों को सच देखो, अपने जो आपके सेना के अधिकारी हैं, जो आपको समय समय पर तरह तरह के सब्जबाग दिखाते हैं, उनका सच देखो। किस कदर पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में, खासतौर पर कराची में बाढ़ ने कहर ढाया हुआ है, जरा आपको एक सफर पे लिए चलते हैं। वैसे तो भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना ही नहीं है। पाकिस्तान जरा भी किसी भी मोर्चे पर भारत के समक्ष ठहरता ही नहीं है। लेकिन चूंकि हमने अभी आपको बताया था कि भारत सहित अलग अलग देशों में जब भी ऐसी विपदा आती है तो सेना, वायुसेना लग जाती है, तो आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक उड़ीसा के जाजपुर की और एक जम्मू कश्मीर के कठुआ की। आप देखिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर अगर जरा सी सूचना मिल जाती है, एजेंसियों को, सेना को, वायुसेना को राहत के लिए बुला लिया जाता है, राहत अभियान में बुला लिया जाता है, तो तुरंत कार्रवाई शुरू होती है। आप देखिए कि किस तरीके से एक नवजात बच्चे को उड़ीसा में बचाया गया। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने नदी के प्रवाह के बीच फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया। Thank you.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री अबे के खराब स्वास्थ्य पर दुख जताते हुए कहा कि उनके बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व और निजी प्रतिबद्धता के कारण भारत जापान की साझेदारी पहले से कहीं अधिक गहरी और मजबूत हुई है। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले अबे ने आज कहा था कि वह सेहत संबंधी एक गंभीर समस्या के दोबारा उभरने के बाद पद छोड़ना चाहते हैं। मोदी ने ट्वीट किया, मेरे प्रिय मित्र शिंजो अबे, आपकी खराब सेहत के बारे में जानकर दुख हुआ। पिछले कुछ साल में आपके बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व और निजी प्रतिबद्धता की वजह से भारत जापान साझेदारी पहले से कहीं अधिक गहरी और मजबूत हो गई है। मैं आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना और प्रार्थना करता हूँ। उधर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से जब आज पूछा गया कि कांग्रेस आलाकमान ने आपसे कुछ वादे किए थे, उनका क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हमसे किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो विधायक थे उनको भी उम्मीद है कि उनसे जुड़े मुद्दों को हल किया जाएगा। अब कांग्रेस आलाकमान तो खुद ही कई सवालों से घिरा हुआ है, वो खुद ही समस्याओं से घिरा हुआ है। सचिन पायलट की समस्याएं कब सुलझेंगी, अब ये सचिन पायलट को इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के इस अपडेट में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।